नेक्स्ट मोर अबाउट लॉजिकल बफर्स। जनरली इन बफर्स के रिस्पेक्ट में बात करें इन सी लैंग्वेज, जब भी आप कंसोल ऑपरेशन परफॉर्म करो, कंसोल ऑपरेशन की इसमें बफर बाय डिफॉल्ट आपके लिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अवेलेबल है। देर आर थ्री बफर्स आर एप्लीकेबल फॉर एवरी सी प्रोग्राम इनिशियली। जब भी आप सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन के बिगिनिंग में बाय डिफॉल्ट थ्री बफर्स क्रिएट होंगे। इन बफर्स के लॉजिकल नेम्स हैं stdin, stdout, stderr। लेकिन अगर फाइल ऑपरेशंस की बात करें तो फाइल ऑपरेशन में बफर कभी बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड नहीं होंगे। इस फाइल के केस में बफर आपको मैन्युअली क्रिएट करने होंगे। इस फॉर एवरी सी प्रोग्राम, दिस इज सम लेट सी सम सी प्रोग्राम, एज वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एवरी प्रोग्राम विल बी अवेलेबल इनसाइड विच प्लेस इनसाइड रैम मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सम सी प्रोग्राम। बाय डिफॉल्ट जब भी किसी सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सी प्रोग्राम्स के रिस्पेक्ट में बाय डिफॉल्ट थ्री लॉजिकल कनेक्शंस ऑलरेडी प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में और बिल्ट इन फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। लॉजिकल कनेक्शन मीन्स टेम्परेरी बफर्स, इसे बफर किस मेमोरी में अवेलेबल है, इनसाइड रैम प्लस इन कनेक्शंस को नेम देंगे बफर। सिंपली मैंने लॉजिकल कनेक्शन का डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था। लॉजिकल कनेक्शन इज नथिंग बट इट इज अ सिंपली टेम्परेरी बफर्स inside RAM memory which will provides basic read write operations to the programs. Finally monitor के respect में बात करें, monitor के साथ two buffers initially create होंगे। इन buffers को मैं logically consider करूंगा as a connections। There are two logical connections by default available, there are three logical connections by default available for every C programs in which two connections are connected with मॉनिटर। मीन्स टोटल कनेक्शंस कितने क्रिएट हो रहे हैं, देयर आर थ्री कनेक्शन, आउट ऑफ देम टू कनेक्शंस आर कनेक्टेड बिटवीन प्रोग्राम एंड मॉनिटर्स। एज वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, सभी मल्टीपल बफर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम असाइन होगा, लॉजिकल नेम। फर्स्ट केस समथिंग stdear, नेक्स्ट बफर नेम इज stdout बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस बफर्स, stderr नथिंग बट इट इज इट विल रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड इन एरर डिवाइसेस। stdout विल रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस। अनदर वन मोर कनेक्शन विल बी कनेक्टेड बिटवीन प्रोग्राम एंड कीबोर्ड, प्रोग्राम एंड कीबोर्ड। फाइनली किसी भी सी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में इनिशियली कितने बफर्स क्रिएट हो रहे हैं, देर आर थ्री बफर। बफर्स आर लॉजिकल कनेक्शंस, मीन देर आर थ्री लॉजिकल कनेक्शंस आर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल फॉर एवरी सी प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेरी बफर्स। दिस बफर मीन्स कीबोर्ड के साथ जो भी बफर क्रिएट हो रहा है उसका नेम क्या है, सिंपली stdin। मॉनिटर के केस में stdout, stderr। मोस्टली आप यूज क्या करोगे, stdout एंड stdin। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड stderr, अगर आपको कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है, एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए ऑलवेज बफर यूज होगा stderr। सिंपली ऑर्डिनरी मैसेज और इन्फॉर्मेशनल मैसेज और रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए ऑलवेज यूज करेंगे stdout। अगर कोई इनपुट रीड करना है, इनपुट रीड करने के लिए यूज किया हुआ बाई डिफॉल्ट stdin। मीन्स जब आप प्रिंट टैप के थ्रू कोई मैसेज डिस्प्ले करा दे मॉनिटर के लिए, मैसेज सबसे पहले बफर में राइट होगा stdout में, देन मॉनिटर के लिए। सिमिलरली जब स्कैन ऐप के थ्रू कोई इनपुट रीड होता है तो सबसे पहले इनपुट कीबोर्ड से एंटर करूंगा इनसाइड बफर, देन स्कैन ऐप के थ्रू डेटा किस रीड होगा, डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड और फ्रॉम अ बफर, फ्रॉम अ बफर्स। क्लियर, देयर आर थ्री लॉजिकल कनेक्शंस आर अवेलेबल। बट सपोज दैट वी आर हैविंग सम फाइल्स लाइक सम फाइल एनी नेम्ड a.txt, इस फाइल के अंदर कोई कंटेंट्स अवेलेबल है ऑलरेडी a.txt having some contents like a, b, c and so on।
अगर इस फाइल से डेटा रीड करना है, फाइल में एनोदर कैरेक्टर ऐड करना, देन अगेन फाइल की बात करें तो फाइल भी कहाँ क्रिएट होंगे, फिजिकली अवेलेबल इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी। तो अगेन कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा, रैम एंड हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क और रैम के केस में भी अगर आपको फाइल से डेटा रीड करना है, देन फाइल के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रीडिफाइंड कनेक्शन अवेलेबल नहीं। फाइल के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या हो, सम मैनुअल कनेक्शन। ये ऑपरेशन लेटर मीन बाद में डिस्कशन ड्यूरिंग फाइल हैंडलिंग, ड्यूरिंग फाइल हैंडलिंग। Till now we are waiting for that concept. Just we are discussing only about that one. Clear? How to create this connection? Simply, अगर stdin की बात करें तो ये predefined connection star से created होगा। File format of file star stdin. Here stdin is nothing but it is a file pointer which is कनेक्टेड विद कंसोल डिवाइस कौन, प्लस इस केस में stdin के थ्रू डेटा राइट हो रहा है, इसलिए मोड क्या पास होता है, W। ये कॉन्सेप्ट जनरली बाद में डिटेल्स में डिस्कस करें ड्यूरिंग फाइल हैंडलिंग। जस्ट ओनली आपको रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा हूँ, इस stdin कोई स्पेशल थिंग नहीं है, सिंपली इट इज अ फाइल पॉइंटर और फाइल क्या प्रीडिफाइन स्ट्रक्चर इन सी। इस फाइल टाइप के पॉइंटर्स इन पॉइंटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया वो लॉजिकल कनेक्शन। करेंटली stdin किससे कनेक्ट हो रहा, कंसोल डिवाइस। लेकिन कंसोल डिवाइस टू टाइप्स के हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसलिए मोड सप्लाई किया W। W मीन्स राइट मोड। राइट मीन्स बात करें तो राइट डेटा राइट किस में होगा, मॉनिटर में, कीबोर्ड में, मॉनिटर में। इसलिए इसका टाइप क्या है, मॉनिटर। इनडायरेक्टली दिस कनेक्शन विल बी रिप्रेजेंटिंग एज मॉनिटर। सिमिलरली वन मोर कनेक्शन आर विल बी क्रिएटेड लाइक दैट, फाइल स्टार stdout, अगेन f ओपन रिप्रेजेंटिंग कौन। इस अगेन इस कनेक्शन का भी इस केस में कनेक्शन किसके साथ क्रिएट हो रहा, मॉनिटर के साथ। देयरफॉर अगेन क्या सप्लाई हो रहा, W। मीन्स दोनों ही कनेक्शन किसके साथ क्रिएटेड है, मॉनिटर। थर्ड वन फाइल स्टार stdin, f ओपन अगेन कौन, बट हियर वी आर सप्लाइंग। इनसे कनेक्शंस आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही इस टाइप के लॉजिक्स आपको राइट करने की नीड है। सिंपली प्रीडिफाइंड कनेक्शंस हैं, जो कि सी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट सभी सी प्रोग्राम्स के लिए प्रोवाइड किया जाए रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इस केस में stdin और stdout और stdin क्या है, इनडायरेक्टली इट इज अ फाइल पॉइंटर। अगर आपको डिस्क्राइब करना है रियल में फाइल पॉइंटर है कि नहीं, अगर इनके साइड स्पीकर एज बी सीन, सी के केस में पॉइंटर का साइज क्या रहता है, ऑलवेज 2 bytes। मीन्स इनके साइज भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर लाइक दैट, प्रिंट एफ साइज ऑफ stdout। stdout रियल में क्या है, इस लॉजिकली इससे कनेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन रियल में ये रिप्रेजेंट या क्रिएट किसके फॉर्म हुए, इन द फॉर्म ऑफ फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर या किसी भी टाइप के पॉइंटर की बात करें, पॉइंटर का साइज क्या रहता है, 2 bytes। इसलिए इस केस में इसका साइज क्या डिस्प्ले हुआ, 2 bytes। सेम एज फॉर stdin, stdin के केस में साइज क्या डिस्प्ले हुआ, ऑल्सो 2 bytes। stdin के केस में साइज क्या है, ऑल्सो 2 bytes। जब सेम ऑपरेशन फाइल के साथ परफॉर्म करो तो कौन के प्लेस पर आप क्या पास कर सकते हो, समथिंग सम फाइल नेम a.txt और सम मोड, मे बी रीड मे बी राइट, डिस्कसिंग इन लेटर्स।